तो खुद जी नहीं रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमारे माइंड में इंस्टॉल हैं हम उन्हीं के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। कि जैसे हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसी तरीके से हर इंसान के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला ये है, वो ये है कि रट्टा सिस्टम। जी बेसिकली एजुकेशन में ना तीन स्किल्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप स्किल होती है जरूरी वो लिखना होता है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्किल है ना याद करना, वो याद करना सिखाई नहीं गई किसी ने भी आज तक, हमने जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, प्रोग्राम हमारे हीरोज में। नाजरीन आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं एक पाकिस्तान के ऐसे हीरो पे जो हमारी यंग जनरेशन का जो रटा सिस्टम है उसको रिमूव करने के लिए काम कर रहे हैं। जी ब्रेन स्टॉर्मिंग पे इनका काम है कि बच्चों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कैसे करवाया जाए। आज उनसे मुलाकात करवाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भाउल जिक्र यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ हैं मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ठीक ठाक। माशाल्लाह आपने दो बुक्स भी अब तक, बल्कि तीसरी भी आ चुकी है सॉरी, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एक इनकी बुक ये है। एक्चुअली इन्होंने ब्रेन पे काम किया है लेकिन एक्चुअल में ये कंप्यूटर की फील्ड से लिंक है, इसलिए इन्होंने नाम जो है ना ह्यूमंस का ब्रेन को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इन्होंने इसका नाम दिया है। और दूसरा इनका काम है इम्प्रूव मेमोरी, आपके लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, तो इन्होंने ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बुक इन्होंने पब्लिश किया है इम्प्रूव मेमोरी। सबसे पहले तो सर इस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में आप थोड़ी सी बात करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक तो आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड पे जब मैंने जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो माइंड था, और जब मैंने माइंड के ऊपर काम शुरू किया तो मुझे समझ आई कि हम अपनी जिंदगी तो खुद जी नहीं रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे माइंड में इंस्टॉल हैं हम उन्हीं के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट मेरे जहन में आया। अब चूंकि कंप्यूटर की फील्ड से था तो मुझे लगा कि कोई कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए जहां पे हम इंसान ना समझ सके आसानी से, समझ सके। तो हमने सुना था कि कंप्यूटर जो है वो इंसान को देख के बनाया गया है, तो मैंने सोचा कि अगर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन गया है तो इंसान क्यों नहीं बन पा रहा। तो उसके ऊपर फिर मैंने कंपैरिजन किया कंप्यूटर का और ह्यूमन का, इसके सारे जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं कि हार्डवेयर कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, प्रोसेसर हमारी कौन सी है, रैम कहाँ पे है, इंसान के अंदर रैम कहाँ पे है, हार्ड ड्राइव कहाँ पे है, तो इन सारी चीजों के बाद जो मुझे एक चीज समझ में आई वो ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जैसे हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसी तरीके से हर इंसान के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और जो हमने सुना है ना कि अपने अंदर को चेंज करें या आपका अंदर चेंज होगा तो आपके में तब्दीली आएगी, तो वो अंदर बेसिकली क्या है, वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं। और ये मतलब 7 साल तक हर बच्चे में इंस्टॉल हो जाती हैं, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। अब वो 7 साल तक जो इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल हो गई, अब वो सारी जिंदगी उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे गुजारेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्टॉल विंडो माइंड होता है ये 7 साल तक हो जाती है, ये 7 साल तक हो जाती है, जितने भी मतलब आप बच्चे को जिस सिमत में भी चलाना चाहें। बिल्कुल ऐसी विंडो अगर करप्ट हो जाए उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, विंडो करप्ट हो जाए लाइक आप करप्शन वाला या जो विंडो करप्ट होने वाला कंसेप्ट है वो ये है कि जब एक नेगेटिव थॉट्स हम सुनते हैं लाइक अब जैसे मैं मेमोरी की तरफ हूं, तो जैसे हम किसी बच्चे को बता देते हैं कि तुम नहीं पढ़ सकते हो, अब टीचर ने गुस्से में कह दिया उसे, या वो बच्चा काम नहीं कर रहा था या मैंने नहीं करा था, टीचर ने कह दिया, अब वो उस चीज को ना एज अ इंस्ट्रक्शन लेगा बच्चा, और वो सोचना शुरू करेगा अच्छा मुझसे नहीं हो रहा और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अपने आप को वो समझने लग जाएगा और वो इसका मतलब है उसकी इंस्ट्रक्शन ये इंस्टॉल होगी। तो ये बेसिकली करप्ट विंडो वाला सीन है। करप्ट विंडो वाला जी। तो अच्छा, एक हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला ये है, वो ये है कि रट्टा सिस्टम। जी, तो रट्टा सिस्टम एक्चुअली इस वजह से बच्चे उस तरफ मूव करते हैं जब उनको लगता है कि हम इसको मेमोराइज नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर इसकी थोड़ी सा बैक पे जाए ना, तो बेसिकली एजुकेशन में ना तीन स्किल्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है कि ए कैसे पढ़ते हैं, बी कैसे पढ़ते हैं, अलिफ बे सारा कुछ सिखाया, उसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप स्किल होती है जरूरी वो लिखना होता है, कि आपको लिखना सिखाया जाता है कि पूरे वर्ड्स कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, ये हम करते हैं। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्किल है ना याद करना, वो याद करना सिखाई नहीं गई किसी ने भी आज तक, हमने सिखाया नहीं। जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है कि ये तीसरी स्किल्स पे वाकई काम नहीं हो रहा, कि बच्चों को ये मेथड जरूर आप बताएं कि आपने इसको कैसे मेमोराइज करना है। बिल्कुल ऐसे, तो वो इस पे आपने काम किया। हाँ, इस पे काम किया। अब और दूसरा जो चीज गलत हुई सोसाइटी में वो ये हुई कि हमने एग्जाम उस चीज का लिया जो सिखाई नहीं गई, कि हमने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि आपको पढ़ना कितना आता है, आपको लिखना कितना आता है, आपको याद कितना है, हमने ये पूछा। और फिर हमने याद को जो है ना वो जहानत से जोड़ दिया, कि जिसको जितना ज्यादा याद है उतना ज्यादा जहीन है। अब एक बच्चे को याद नहीं हो रहा, क्यों याद नहीं हो रहा, क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया कि याद करना कैसे है, और उल्टा उसे बता दिया गया कि तुम जहीन भी नहीं हो, तो वो बच्चे ने वो सोचना शुरू कर दिया मैं तो जहीन ही नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई
ये वो रीजन होती है क्योंकि बच्चा अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में ये सीख नहीं पाता कि याद कैसे करना है। तो जापान में चार साल तक बच्चे से कोई एग्जाम्स नहीं लिए जाते। बिल्कुल ऐसे ही, ये वो रीजन है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि सिखाई नहीं गई चीज। हाँ। अब अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे जहीन कितने हैं, अगर हम इस चीज के ऊपर आए कि अगर याद करना ही जहानत है तो बच्चों को फिल्में, ड्रामे, सारी चीजें याद हो जाती हैं। जो वो नावल पढ़े वो याद, जो बच्चे निकम्मे होते हैं उनको फिल्में ज्यादा याद होती है। तो क्या वजह है कि एक बच्चा जिसको सबक याद नहीं हो रहा और पूरी 3 घंटे की फिल्म याद हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब गड़बड़ है कि हमने सिखाया नहीं गया, या उसे ये भी नहीं पता कि मैं मूवी देखते हुए याद कैसे कर रहा हूँ। तो अगर सिर्फ इस चीज को हम समझ लें या इस चीज को बच्चों पे इंप्लीमेंट कर दें तो बच्चों के ना स्ट्रेस खत्म हो जाएगा स्टडी से। यानी आपका एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्रेन सबके पास इक्वल होता है और आपने कैसे उसे किस तरफ यूटिलाइज करना ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप ये माइंड सेट बना लेते हैं कि ये चीज मुझसे नहीं हो सकती तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ माएं जो रहती है वो ब्रेन को थोड़ा सा बिठा देती है पीछे से, इसका भी इफेक्ट होता होगा? नहीं, इसमें तो मेरा कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, लेकिन वो सिर्फ शेप तक होता है। अंदर जो बेसिकली, अब ब्रेन और माइंड दो चीजें हैं। ब्रेन बेसिकली हार्डवेयर है जो हमें नजर आता है ना, जो एक बुद्धे की सूरत में या जो जिसकी पिक्चर होती है, एग्जैक्टली जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, और माइंड वो है जो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने माइंड को ना अपनी बुक में ना सॉफ्टवेयर का नाम दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हमें नहीं पता इसमें विंडो इंस्टॉल है, कहां पे विंडो इंस्टॉल है, वो नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से माइंड ना नजर नहीं आ रहा। और चूंकि सब बच्चे इक्वल है, तो मैं हमेशा जब मैं सेमिनार करता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं कि आप क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला से ये नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त के पास ज़हन ज्यादा था, वो डॉक्टर बन गया, मैं पीछे रह गया। तो ऐसा एक्सक्यूज कर नहीं सकते हैं, सबको अल्लाह ताला ने बराबर। अच्छा, आपकी दूसरी बुक पे बात करते हैं, ये है इम्प्रूव मेमोरी। जी, कैसे बच्चे अपनी मेमोरी इंप्रूव करें? हाँ जी, ये तमाम बच्चे सुन रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है, इंप्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। अब ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कुछ मैंने बनाया। अब चूंकि मैं सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर हूँ, मैंने खुद ये चीजें सीखी 4 साल पहले और फिर मैंने बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू की। तो बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि माइंड हमारा काम कैसे करता है, लाइक कैसे चीजें हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं, कैसे हम डेटा इनपुट कर रहे हैं। तो आज जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा यूनिक, जो कि मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है अपने सेमिनार्स में भी, चूंकि थोड़ा सा ना ये टाइम टेकिंग है, तो उसको बोलते हैं नंबर राइम सिस्टम। कि अब एक चीज समझें कि अगर हम रियल लाइफ में देखें कि हमें चीज कैसे याद आती है, कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो आप क्या विजुलाइज करेंगे? आप वो डाइनिंग टेबल, वो जगह विजुलाइज करेंगे, बिल्कुल, तो फिर आपको याद आ जाएगा। खाने की चीज विजुलाइज करेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। तो इट मींस कि हम मेमोरी को ना लोकेशन चाहिए होती है। लाइक आपने अगर जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल करें, आपके कबर्ड है आपके रूम में और वहां पे आप हर एक चीज हैंग कर रहे हैं, आपको याद है कि मैंने हैंग की। अगर आप जाके फेंकते रहे तो आपको नहीं पता होगा मेरी कौन सी शर्ट कहाँ पड़ी है, कौन सी पैंट मेरी कहाँ पे पड़ी है, तो आप प्रॉपरली हैंग करते हैं। तो बेसिकली इसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन। हम कोई इंप्रूव नहीं करते, ट्रेन करते हैं ब्रेन को कि कहाँ कहाँ पे आपने लोकेशंस अपनी जो है वो चीजें रखनी है। सिमिलरली जैसे फोल्डर्स बनाते हैं हम कंप्यूटर में, कि हमने सॉन्ग्स का फोल्डर होता है, मूवीज का फोल्डर होता है, पिक्चर्स का फोल्डर होता है। अगर हम ये फोल्डर्स ना बनाए तो वैसे ही डेटा रखते रहे तो हमें खुद भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम बेचारे माइंड के साथ भी यही कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ पोर्शन बनाए फिर उसके मुताबिक चीजें रखें। अगर हम यानी एक पर्स है उसमें अगर चीज ऐसे फेंक देते हैं तो ढूंढना भी उतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अगर अपने माइंड में ऐसी कोई चीज डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसको ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। और बरअक्स अगर आप एक तरतीब के साथ कबिट बना के उसमें रखें तो आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो इस टेक्निक का नाम है नंबर राइम सिस्टम। अब मोस्टली हमें डेटा जो है ना वो नंबर्स में याद करना पड़ता है, लाइक या सीक्वेंस में याद करना पड़ता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया कि हर नंबर को ना एक इमेज दे दी, क्योंकि हमारा माइंड ना तस्वीरों में काम करता है। उसके लिए ये वर्ड्स मतलब ABC कुछ नहीं है, उसे नहीं पता कि ABC क्या है या 1, 2, 3 क्या है। तो वो इमेज हर चीज, जैसे हम किसी भी चीज का नाम बोलते ना, जैसे मैंने बोला कप, तो कप की तस्वीर जहन में आएगी, CUP नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इन नंबर्स की ना इमेजेस बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं 1 sun, 2 shoe, 3 tree, 4 door, 5 knife। अब ये 5 जो है ना, अब ये बच्चे ने सिर्फ एक दफा पढ़ेगा तो उसे ये याद हो जाएगा। 1 sun है, 2 shoe है, 3 tree है, 4 door है, 5 knife है। इस तरीके से 6 stick, 7 heaven और ये पूरी 10 तक और 20 तक जो है वो लिस्ट मेरी इस बुक में है। अच्छा, बुक में है। जी बिल्कुल। तो अब हमने क्या करना है, अब कोई भी चीज याद करनी है। अब जैसे मैं अपने बच्चों के साथ ट्रेन करता हूं, कोई भी हेडिंग आपने याद करनी है, अब आपके लिए वो 1 नंबर पे हेडिंग है, उसकी पिक्चर जो है वो आपने उस सन के साथ रिलेट कर देनी है, क्योंकि हमारा मेमोरी सिस्टम जो है वो लिंक मेमोरी सिस्टम है। अब जैसे हम सेमिनार करते हैं और हमेशा ना चीजों को ना बेसिक मेमोरी इंप्रूव करनी है हमने बच्चों की। लाइक कोई भी आइटम्स हैं, जैसे कि हमने 10 फलों के नाम याद करने हैं एक छोटे बच्चे ने, और नंबर 1 पे अनार है, तो अब हम अनार को उस सन के साथ रिलेट करेंगे।
लाइक कोई भी ऐसा आपने इमेज बना लेनी है, इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन, कि हमारी मेमोरी ना कोई हार्ड चीज तो नहीं है कि कहाँ पे हमने फाइलें रखी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी विजुअलाइज, तो जितने ज्यादा अच्छे आपके विजुअल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। तो आप विजुअल करते हैं कि अनार जो है और सन को हम रिलेट करते हैं कि आपके पास अनार का जूस है और आप जो है वो सूरज के ऊपर उसे गर्म कर रहे हैं। रियल में नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो विजुअल करना है और जितने फनी विजुअल्स होंगे वो जितने यूनिक विजुअल्स होंगे उतनी देर तक आपको वो याद रहेंगे। अब टू पे हम ले लेते हैं बनाना है और शू है। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे आपने मतलब आपने याद करना कोई भी स्टोरी बना सकते हैं कि आप जा रहे हैं और बनाना आपके पाँव के नीचे आ गया है और वो बहुत मैला हो गया है। तो इसी तरीके से थ्री पे अगर ऑरेंजेस हैं, ट्री और ऑरेंज, थ्री पे हमारा ट्री था, यानी वो पॉइंट हमें नहीं भूलेगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। फिर आपने सिर्फ जैसे आप इसको रिकॉल करें, जैसे आप बोलेंगे ना नंबर वन पे क्या है, तो जैसे बच्चे के जमे वन आएगा तो उसे याद आएगा वन का सन था, तो जैसे सन आएगा उसे याद आ जाएगा हाँ वो अनार था जो वो जिसका जूस में गर्म कर रहा था। तो इस तरीके से, और चूंकि मेमोरी ना दूसरी चीज है, कोई लिमिटेड चीज नहीं है, मेमोरी इज लाइक अ मसल, कि जितना आप इंप्रूव करेंगे उतना, जितना आप यूज करेंगे उतनी ये बढ़ती रहेगी। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आप तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस रट्टा सिस्टम को निकाल के इसको जरूर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और प्राइवेट जितने जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप गूगल करें ना, तो ये मेमोरी टेक्निक्स यानी कि कोई किसी भी मेमोरी टेक्निक्स को आप अगर गूगल करें तो आपको करोड़ों में रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा। यानी कि लाखों हजारों में भी नहीं, करोड़ों में रिजल्ट्स मिलते हैं, इतना ज्यादा जो है वो मेमोरी के ऊपर काम हो रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया तब भी और अब भी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे हम बगैर स्ट्रेस के चीजों को याद कर सकते हैं। पांच साल हो गए आपको इस फील्ड में और आप इंटरनेशनली भी शायद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोविड के बाद इंटरनेशनल जब मैंने, चूंकि सारे इदारे बंद हो गए, तो फिर इंटरनेशनली जैसे ऑनलाइन वर्क होता है तो मैंने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया और उसके बाद इंटरनेशनली क्लाइंट्स अब ज्यादा है मेरे पास, क्योंकि उनको लगता है कि मैं स्किल ना थोड़ा सस्ते में सेल करूं, कि ये स्किल्स वहां पे बहुत महंगी हैं, बहुत कॉस्टली, हाँ कॉस्टली पड़ती हैं, तो उन्हें फिर ये लगता है कि मैं जो है वो थोड़ा लो प्राइस में उनको दे रहा हूँ। और उससे ये होता है कि मेरी अपनी भी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और भी बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं, तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ मेरे लिए ये एनफ है। अच्छा, रट्टा सिस्टम आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसको मफलूज कर रहा है। रट्टे सिस्टम की वजह से बच्चे 1100 में से 1100 नंबर ले रहे हैं, लेकिन जब बच्चे ये आगे जाते हैं, एंटी टेस्ट देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये पास नहीं कर सकते, इवन वो टेस्ट पास आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये आगे फर्दर स्टडीज नहीं कर सकते। तो ये रट्टा सिस्टम हमारे सिस्टम को मफलूज कर रहा है, तो अगर बच्चे इस पे कन्वर्ट हो जाए ऐसे तो कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा। अच्छा, रट्टा सिस्टम की बेस समझे, रट्टा क्या है बेसिकली, एक पूरी लाइन है वो बच्चे ने याद कर ली, अब उस लाइन के आगे क्या है पीछे क्या है वो बच्चे को नहीं पता, स्याको सबाक नहीं पता। अब वो पेपर में अगर उससे पीछे वाली कोई चीज पूछी गई या उसको यानी कि जो सबके तोड़ के पूछ लिया गया, तो बच्चा वो रट्टा उसके पास बैठे गई नहीं, वो लगेगा ये लाइन ही गलत लिखी हो। तो जो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आता है ना, बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, वो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो लाइन एज इट इज नहीं पूछी होती, तो बच्चों को लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई है। तो जब ये इस टेक्निक से याद करेंगे तो उन्हें वो लाइन तो याद करने, हम तो वो बिल्कुल लाइन तो याद करवाते नहीं, हम तो करवाते ही कंसेप्ट क्लियर है। तो जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा तो उनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल। और टीचर के लिए भी ये जरूरी है कि बच्चों को इस मेमोरी जो आपने ये इंप्रूव मेमोरी का कहा है, तो टीचर का भी बहुत जरूरी है कि वो कंसेप्चुअल स्टडीज दें। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। अगर वो मतलब एक आम सी रीडिंग वगैरह करा देंगे तो वो तो जाहिर सी बात है बच्चों की इंप्रूवमेंट नहीं होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें ना मेमोरी सिस्टम या इंप्रूव मेमोरी कोई ना मैजिकल चीज नहीं है। ऑल्दो मैं जब सेमिनार में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ तो बच्चों को लगता है मैंने जादू कर दिया, कि इतनी सारी चीजें कैसे एक मिनट में याद हो गई हैं, लेकिन असल इसके पीछे क्या है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ और कोई मुझे कहे मुझे ये ना याद करके सुना दो, तो मुझे याद नहीं होगा क्योंकि वो चीज समझ नहीं आई मुझे। सिमिलरली जो आपने बात की ना कि कंसेप्ट क्लियर कराना बहुत जरूरी है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो सिस्टम में ना चीज आएगी नहीं, उसके माइंड को समझ नहीं आएगी कि ये कैसे काम हो रहा है। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि विजुलाइज चीजें आप अगर इमेजिन करना शुरू कर दें और एक स्टोरी बना दें तो आपके लिए वाकई ये मैजिकल होगा कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक है उसको आप याद कर सकते हैं। वेल मोहसिन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इस वक्त आपसे चाहते हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ होगी बात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।